कैसे हो दोस्तों। मैं मोहम्मद नईम शेख, मैं बताना चाहता हूँ कि जस्ट नाउ मेरी नजर से टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल गुजरा, डेटेड 22 फरवरी 2024, जो ये आपकी स्क्रीन पे, जिसमें बताया गया है कि बस्ट ऑफ 17 हीरोज ऑफ मुंबई टू बी अनवील्ड टूडे। तो इतना बड़ा आर्टिकल आया टाइम्स ऑफ इंडिया पेज नंबर 3 में, जिसमें बताया गया है कि मंगल प्रभात लोधा, जो स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर है, उन्होंने ये सुझाव दिए कि मुंबई की ऐसी 17 शख्सियत का शुमार किया जाए और उन्हें हॉनर किया जाए जिन्होंने मुंबई की तरक्की के लिए अपना योगदान दिए। और आज ही के दिन सुबह 9:30 बजे ये प्रोग्राम था चिलाचंद गार्डन इन गिरगांव मुंबई, जिसमें जेपी नड्डा, बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट, वो मौजूद थे। स्टेट के डिप्टी सीएम का होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे, और भी शख्सियत, आइकॉन शख्सियत मौजूद थी। तो ये 17 जिन शख्सियत का शुमार किया गया है उन्हें इज्जत अफजाई के लिए, तो पहले तो मैं उनका नाम बता देता हूँ। उनके नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वी डी सावरकर, लता मंगेशकर, दादा साहब फाल्के, कुसुमर राज, होमी बाबा, जे आर डी टाटा, जगन्नाथ शंकर सेठ, अन्ना भाऊ सेठे, बाल ठाकरे, धीरू भाई अंबानी, रामनाथ गोयनका, सेठ मोदी शाह, बाबू गेनू, अशोक कुमार जैन। ये अशोक कुमार जैन जो है ये टाइम्स ऑफ इंडिया से वापस थे। साथ ही साथ कोली कम्युनिटी और सचिन तेंदुलकर। तो ये 17 लोगों का नाम सिलेक्ट किए जिन्हें इज्जत और अफजाई दी जाएंगी कि इन्होंने मुंबई की तरक्की के लिए काम किए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मुंबई की जो पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ से ज़ायद है। हम ये भी जानते हैं कि 2011 में जो सर्वे हुआ था उसमें बताया गया था कि मुस्लिम मुंबई में 20% से ज़्यादा है, जबकि हिंदू 66% से ज़्यादा है। तो इन 17 शख्सियत का जो मैंने नाम आपको गिनवाया, तो इनमें एक भी मुस्लिम नहीं था। एक भी मुसलमान ने मुंबई सिटी की तरक्की के लिए अपना योगदान दिया। अब इसमें जो शख्सियत का सिलेक्शन हुआ वो किस बेसिस पे हुआ है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, सेफ्टी और कल्चर इनरिचमेंट में अपना खास रोल अदा किए। तो अब हमारी फिल्म इंडस्ट्री ले लीजिए, ये भी आ रही है इस शख्सियत में, तो उसमें क्या दिलीप कुमार को यहाँ जगह नहीं मिल पाई, शबाना आजमी को जगह नहीं मिल पाई, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी को जगह नहीं मिल पाई, संगीतकार नौशाद को जगह नहीं मिल पाई। यानी कि एक भी मुसलमान ऐसा मुंबई का नहीं गुजरा कि जिन्हें सिलेक्ट किया जाए, इन 17 लोगों में सिलेक्ट किया जाए कि उन्हें भी इज्जत दी जाए कि उन्होंने भी मुंबई की तरक्की के लिए योगदान दिए। तो ये कौन सा सिलेक्शन हुआ है, ये कैसा सिलेक्शन हुआ है जिस पे नेशनल प्रेसिडेंट बीजेपी जेपी नड्डा स्पेशली प्रेजेंस हुए मुंबई में, जिसमें स्टेट के डिप्टी सीएम का होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस मौजूद हुए, स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर मंगल प्रभात लोधा मौजूद हुए। तो ये जो लिस्ट देख के मुझे बड़ा अफसोस हुआ, इसमें रफी साहब का भी नाम नहीं था। क्या रफी साहब ने कम योगदान दिए फिल्म इंडस्ट्री के लिए, हिंदुस्तान के लिए, मुंबई के लिए? और ये जो ज्यादा शख्सियत का जो मैंने नाम लिया, ये सब मुंबई के रहने वाले थे। इन्होंने, बेशतर ने अपनी आखिरी सांस मुंबई में ली, उसके बावजूद भी इन्हें इस लायक नहीं समझा गया कि 17 शख्सियत में उनका नाम का शुमार किया जाए। तो एक तरीके से जो आर्टिकल पढ़ा टाइम्स ऑफ इंडिया में पेज नंबर 3 पे, तो मुझे अफसोस हुआ कि किस तरीके से सिलेक्शन हुआ और इतनी अजीम शख्सियत, मुस्लिम शख्सियत का जिसका मैंने नाम लिया, इनमें से किसी ना किसी का नाम तो इन 17 शख्सियत में यकीनन होना चाहिए था। खुदा हाफिज। Friends, if you like the video and want much more, then please do follow